5 रुपये में इतना अच्छा खाना है और करेगा। के हिसाब से कैसा है? उसके हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। मजा आ रहा है। ₹5 का। देखिए ऐसा लगता है जब इनको खाना दे रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरी मदर मुझे ऊपर से आशीर्वाद दे रही है। तो गाइस हम हैं दादी की रसोई में, बहुत फेमस, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल दादी की रसोई। हमारे साथ है खन्ना साहब और हम देखेंगे कि यहाँ पर मिलता क्या क्या है। आप देखेंगे कुरकुरे, पार्ले जी, मिठाइयाँ, चॉकलेट, पनीर, फ्रूट्स, पेड़े, फ्रूटी, ऐसा कुछ नहीं है जो एक आम आदमी के पेट को भरने के लिए काफ़ी ना हो। तो अंकल जी हमें बताइए कि ये आइडिया आया कहाँ से? सोशल वर्क मैं पिछले 25-30 साल से बहुत करता रहा हूँ। यहाँ पर आप जो सोशल काम सोचते हैं वो सारे लगभग करें, लेकिन कहीं ना कहीं जाके अटक जाते थे क्योंकि सरकार, प्रशासन, सबकी मदद लेनी पड़ती थी, तो वो संभव नहीं हो पाता था। इसी बीच में थोड़ा सा मदर की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई तो उन्होंने कहा मेरे हिस्से का खाना किसी बच्चों, गरीबों को खिला दिया करो। बच्चे बोले पापा दादी की इच्छा है, दादी की रसोई शुरू कर देते हैं। तो बातों बातों में शुरू हुई। तो ये 14-15 अगस्त के आसपास की बात होगी। 21 अगस्त मेरा जन्मदिन होता है। मदर ने कहा जिस दिन कर रहा हो तो 21 अगस्त से शुरू कर दो। तो बस बातों बातों में शुरू कर दी। तो हमारा दाल चावल अचार को लेके कंसेप्ट था, तो शुरुआत में लगाया। और जैसे मैंने बताया कि सोशल सर्किल ठीक ठाक था, तो पहले दिन 150-200 आदमी आ गए थे और उसके बाद में फिर ये धीरे धीरे चलता रहा। शुरू में 36 रुपये किलो दाल होती थी, जब मेरे को आज भी याद है हम लोगों ने शुरू करा था। फिर आपको याद होगा 2016 के आसपास दाल के रेट एकदम से बहुत बढ़ गए थे, 100-150 रुपये किलो हो गई थी। तो ये हुआ कि कैसे करा जाए, तो हमारे सब्जी वाले ने कहा इसके अंदर डिफरेंट वेजिटेबल्स डाल दीजिए आप, दाल गाढ़ी हो जाएगी और इसके अंदर विटामिन वगैरह काफ़ी अच्छे लोगों को न्यूट्रिएंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो बस इस तरह से इसमें फिर सब्जियां डालनी शुरू करी हमने। वो इतनी बढ़िया रेसिपी निकल गई है जो आप देखिए किसी से पूछेंगे ऐसी रेसिपी कहीं नहीं मिलती है जो हमारे यहाँ होती है। तो ये सफ़र कैसा रहा? जैसे जब आपने शुरू किया लोग आते गए, जुड़ते गए, मैं देख रहा हूँ काफ़ी भीड़ आ रही, काफ़ी लोग आ रहे, लगातार आते जा रहे हैं। तो कैसा ये सफ़र रहा अब तक का? देखिए कोई भी काम करेंगे, आप करें, मैं करूँ, तो ये हमारा कोई आदत तो थी नहीं ना, इसकी एक्सपीरियंस था, तो दिक्कतें आती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन बस ये है कि मैं हर एक से कहता हूँ और जहाँ पर भी बात करता हूँ कि एक्सक्यूजेस वही देते हैं ना जो काम नहीं करना चाहते हैं। जो काम करना चाहते हैं, दिल से काम करना चाहते हैं, उनके लिए किसी तरह की कोई एक्सक्यूज़ नहीं होती है। तो अंकल जी जैसे मैं देख सकता हूँ कई सारे लोग आ रहे हैं, बड़े बढ़ चढ़ के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो समाज का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? यानी ये एक मुहिम है, एक मंच है कि लोगों को ₹5 में समाज सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो आपके ज़रिए कई लोग समाज सेवा करना चाहते हैं, तो उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है? आपको सुन के अच्छा भी लगेगा और ये मेरी हमारी वेबसाइट पर भी लिखा है, पंच लाइन है, दान हमेशा चल के देना चाहिए, मांगी भीग जाती है। हम कभी किसी से कुछ नहीं मांगते। मेरा पहले दिन से ये कंसेप्ट था कि एक तो जगह निश्चित होनी चाहिए, कहीं पे भी हम खाना खिलाते हैं। ये कंसेप्ट मेरे को कभी समझ में नहीं आया कि आज हम यहाँ खिलाएंगे, कल वहाँ खिलाएंगे। तो उससे शुरू से मैं इस बात को कहता हूँ, कुआँ प्यासे के पास नहीं जाता है, प्यासे को कुएँ के पास आना चाहिए। अपनी क्वालिटी बहुत अच्छी कर दीजिए, रेट्स ऐसे कर दें कि लोग खींचे चले आएँ आपके पास में। अगर कोई ज़रूरतमंद है उसे पता लगना चाहिए मुझे खाना यहाँ पर मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का खाना मिलेगा और भरपेट खाना मिलेगा। तो ये कंसेप्ट लेके चले थे। अब सवाल आता है कि हमें मार्केट से कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए, कैसे चाहिए, वो हमने कभी नहीं रखा। अगर मेरी औकात 200-250 लोगों को खिलाने की, मैं उतने को खिलाता हूँ। अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लोग जुड़ते चले गए, तो हमने इसमें रोटी भी ऐड कर दी है, रसगुल्ला भी ऐड कर दिया, पेड़ा भी ऐड कर दिया, फ्रूट्स भी हैं। कैसा लगा खाना? बढ़िया लगा। ठीक है, तो आपको क्या लगता है ₹5 में ये जो खाना खिला रहे हैं इससे कितना बड़ा योगदान है समाज के? बड़ा योगदान है। अब आप पूछ रहे थे सोशल देखिए अपनी मर्जी से, ये आज इनकी इच्छा हुई है, कोई ओकेज़न नहीं है, किसी का जन्मदिन नहीं है, फिर भी इनकी इच्छा हुई है, खुद आके सेवा करने के लिए आई है सक्षम राणा जी की तरफ से। तो बता दीजिए कैसे आई हैं, क्यों आए आप आज? अच्छा, मेरा बहुत टाइम से मन था, मैंने YouTube वगैरह में इनका इंटरव्यू देखा था, मेरा बड़ा मन था कि मैं भी कुछ अपना योगदान दूँ इनकी सेवा में। ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई इस तरीके का काम करता है। तो बच्चे मेरे अब कमाने लायक हो गए हैं, तो मुझे लगता है उनका कुछ परसेंटेज मुझे दान देना चाहिए, कुछ अच्छे काम में उनकी इनकम को मुझे लगाना चाहिए, इसलिए मैं आज इधर आई। देखिए ये भावना जो हुई है ना, अगर आप सच्चे मन से काम कर रहे हैं तब लोग प्रेरित होते हैं इन चीज़ों में। यही हमारा प्रयास है और बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग आते हैं तो लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। रोटी खाएंगे बहुत, और क्या खाओगे यार, कुछ तो ले, पेड़ा खाइए वैसे। देखिए ऐसा लगता है जब इनको खाना दे रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरी मदर मुझे ऊपर से आशीर्वाद दे रही है। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। अंदर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस होता है। हम बात करेंगे, हमारे साथ अरुण भाई हैं। अरुण भाई, कैसा लग रहा है खाना? जी खाना बहुत टेस्टी है, बढ़िया है, और 5 रुपये में इतना अच्छा खाना है और कहेंगे। तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। देखिए जब हमने शुरुआत करा था तो हमारे साथ काफ़ी वॉलंटियर्स थे, लेकिन तीसरे चौथे दिन ही कभी कोई छुट्टी चला जाता था, कभी कोई छुट्टी चला जाता था। फिर हम लोगों ने अपने पेड एम्प्लॉइज रखे और ये सारे पुराने हैं, ये हमारे चाचा हैं, इनकी रखवाई में होता है सब। कैसा है खाना, कैसा है? हाँ, कब से खा रहे हैं आप? तो 1 साल से खा रहे हैं। तो अंकल जी, मैं पर्सनली आपको कई सालों से फॉलो कर रहा हूँ, मैं लगातार देख रहा हूँ कि आप हर बदलते समय के साथ कुछ नया कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में। हमने खाने से शुरुआत करी, फिर दवाइयाँ, कपड़े, अंदर पाइप जो हमने रेस्टोरेंट बनाया है इसी वाला। तो अगला क्या, अब क्या आप सोच रहे हैं लोगों के लिए करने के लिए? देखिए मैं कभी कुछ सोचता नहीं हूँ। मैंने जैसे ये दादी की रसोई शुरू करी थी, उसी में आप जैसे भाई कोई आए, कुछ ने कहा कि मेरे पास कपड़े पड़े, यहाँ तो ज़रूरतमंद लोग आते ही हैं, कपड़े दे दीजिए, नई लाइन शुरू हो गई। तो पुराने कपड़े, अब इसमें भी हमने कहा दान देते हुए, दान देने की भावना का होना बहुत ज़रूरी है, जो मैं हमेशा कहता हूँ। अब जैसे ये कपड़े हमने यहाँ रखे, अब शुरू में ही हमने जब सारे कपड़े लाके हमने कपड़े रखने शुरू करे तो देखा सारे के सारे अच्छे अच्छे कपड़े सारे उठा के ले गए। तो फिर अब ये हुआ कि अब इनमें भी थोड़ी सी कैटेगराइज करना चाहिए। तो हम यहाँ डेली अंदर से कपड़े निकालते हैं, यहाँ रखते हैं, और जो बढ़ जाते हैं छट जाते हैं, उसके बाद में फिर हम झुग्गियों में जाके इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पर जितनों को भी दिया जाता है, ये अपनी पसंद के कपड़े यहाँ देखते हैं। जी अच्छा से मिलते हैं ना कपड़े, हम लोग छाट कर जाते हैं ना, अच्छे मिलते हैं कपड़े। तो यहाँ तो कई सारे लोग आते होंगे? हाँ जी, आके बहुत सारे आते हैं कपड़े। वैसे तो मुझे याद नहीं है कितने लोग आते हैं, ना उनके चेहरे याद रहते हैं, लेकिन जब उनके चेहरे का सेटिस्फेक्शन देखता हूँ तो लगता है कि शायद ऊपर बैठ के मेरी माँ का आशीर्वाद है, भगवान भी बहुत इस चीज को देख रहे हैं। और अंदर से जो मेरे को महसूस होता है, दिल में इतनी ज्यादा खुशी होती है, मजा आ रहा है। 5 रुपए का